मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम है। सेक्टर 6 के वार्ड 8 में चल रहा है यह जनसंवाद कार्यक्रम। कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग, जनसंवाद कार्यक्रम में अधिकारी भी मौजूद हैं। लोगों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। देखिए, सेक्टर 6 के वार्ड 8 में यह जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम क्योंकि शुरू हो चुका है और सेक्टर 6 के वार्ड 8 में यह जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग, जिनकी समस्याओं को सुना जा रहा है, जनसंवाद कार्यक्रम में अधिकारी भी मौजूद हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे में क्या कुछ अपडेट फिलहाल वहां पर, कितने लोग वहां पर पहुंचे हुए? देखिए, दो जनसंवाद के कार्यक्रम थे। पहला जनसंवाद का कार्यक्रम वार्ड नंबर 8 में था, सेक्टर 6 का इलाका पड़ता है। वहां पर यह जनसंवाद का कार्यक्रम खत्म हो गया है। सीएम मनोहर लाल वहां पर पहुंचे थे, तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, आम पब्लिक वहां पर पहुंची हुई थी। और अब सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं वार्ड नंबर 18, जो प्रेमनगर का इलाका पड़ता है, वहां पर। दरअसल इन जनसंवाद के कार्यक्रम के अंदर मीडिया की अनुमति नहीं होती, लेकिन पब्लिक की जो समस्याएं हैं उन्हें सुना जाता है। किसी इलाके में पानी की समस्या है, किसी में बिजली की समस्या है, किसी में पेंशन की समस्या है, तमाम समस्याओं को लेकर वहां पर संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद होते हैं। एक एक व्यक्ति से पूछा जाता है क्या समस्या आ रही है, कैसे समाधान हो सकता है। अधिकारी अगर मौके पर समाधान कर सकता है तो मौके पर समाधान होता है, और अगर मौके पर समाधान नहीं हो सकता तो फिर एक हफ्ते के अंदर उसको समाधान करने का प्रयास किया जाता है और उसकी फिर रिपोर्ट दी जाती है कि यह काम पेंडिंग में था, अब यह काम हो गया है। तो इस तरीके के जनसंवाद के कार्यक्रम रहते हैं। जब भी सीएम मनोहर लाल करनाल आते हैं, कभी किसी गांव में, कभी किसी वार्ड के अंदर वो जनसंवाद का कार्यक्रम करते हैं। आज दो जनसंवाद के कार्यक्रम थे, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 8, जो सेक्टर 6 का इलाका पड़ता है, मेगा भंडारी, वहां से पार्षद हैं। वार्ड नंबर 18 जो प्रेमनगर का इलाका पड़ता है, वहां पर सीएम मनोहर लाल अब पहुंचे हैं और पब्लिक की समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। भाई हिमांशु, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री लगभग कितनी समस्याओं को यहां पर सुनेंगे, या फिर यूं कहें कि जितने भी लोग वहां पर पहुंचे हैं सभी की समस्याओं को सुनने का काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा? अधिकतर 1 से 1.5 घंटे का यह जनसंवाद का कार्यक्रम रहता है। उसमें 50 से 60, कई बार इससे भी ज्यादा लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। वहां पर पार्षद भी मौजूद रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति रह जाता है, किसी की समस्या नहीं भी वहां पर सीएम के आगे पहुंच पाती है, तो वो जो रिटर्न में लेकर आए हैं उस समस्या को सीएम के साथ जो तमाम अधिकारी पहुंचे होते हैं वो ले लेते हैं, ताकि उन समस्याओं का भी जल्द से जल्द समाधान हो। किसी भी व्यक्ति की समस्या को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। लाइन वाइज सभी से पूछा जाता है कि आपकी क्या समस्याएं हैं, एक बार पूछ लिया जाता है, फिर उसे राइट डाउन कर लिया जाता है। जो अधिकारी वहां पर अलग अलग विभागों के बैठे होते हैं, फिर वो बताते हैं कि इसमें कहां पर परेशानी आ रही है, इसे कैसे सोल्व किया जा सकता है। इसलिए तमाम जितनी भी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आम पब्लिक है, उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाती है। इस तरह के जनसंवाद के जरिए रणनीति भी तैयार की जाती है कि जो आने वाले नगर निगम के चुनाव होंगे या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें पार्टी को किस तरीके से मजबूती मिले, पार्टी की क्या क्या योजनाएं हैं, सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, वो आम पब्लिक तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, इसको लेकर भी चर्चा की जाती है। क्योंकि जो मुख्य मकसद रहता है वो यही है कि चुनाव के अंदर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे, अच्छे वोट बैंक हासिल करे, तो उसी के लिए आम पब्लिक की समस्याओं को उनके वार्ड में जाकर सुना जाता है और जल्द से जल्द उनका समाधान करने की भी कोशिश की जाती है। बिल्कुल हिमांशु, और यही वजह है कि शायद जो भी लोग वहां पर पहुंचते हैं किसी को निराश नहीं किया जाता और सभी की समस्याएं मुख्यमंत्री सुनते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ।